चंदवा के तट पे, हनुमान जी के तट पे विराजमान हूँ। आज बताया जाता है कि व्यक्ति तो बताते, पंछी भी इंसान का भविष्य और उसकी गतिविधियाँ और भविष्य को बता देती है। जिसकी जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है। तो मैं चल रहा हूँ सीधा पंडित जी से। बताया जाता है श्यामा पक्षी हर व्यक्ति की दशा दिशा दुर्दशा वर्तमान भविष्य भूत भविष्य बताती है। तो मैं चल रहा हूँ सीधा यहाँ पे श्यामा पक्षी से। श्यामा पक्षी जो है सभी का भविष्य बताती है, गतिविधियाँ वर्तमान भविष्य भूत वर्तमान। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगा आपका शुभ नाम। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है सर। ये श्यामा पक्षी का सगुन विचार है। यहाँ पर पक्षी पत्र निकाल करके ग्रह राशि के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे कोई विचार मनोकामना इंसान का होता है जिसमें आप सफलता चाहते हैं, नहीं हो रहा है, कौन से ग्रह से बाधाएं आ रही हैं, तो पक्षी पत्र के माध्यम से विचार कर बताती हैं। और बहुत से लोगों का कल्याण भी होता है और जो भी इनको श्रद्धा भाव से मानते हैं और माता रानी उनकी सदैव रक्षा करती रहती हैं। शुभ नाम। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। इसके पूर्व आपके पिताजी भी यही कार्य करते थे? हाँ, ये तो हमारे जानते हैं, दो पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं और बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि ये पक्षी का विचार जो है बहुत लोगों का भला होता है और श्रद्धा की जरूरत है। अगर श्रद्धा है तो अवश्य माता रानी कल्याण करती है लोगों की। सही कहा, सत्य कहा जी। नीति और नियत इरादाए किसी भी देवता के पास या किसी के पास जाए ट्रायल जी, अपना ट्रायल कराइए। तो आप जो है ये श्रद्धा भाव से ये पक्षी श्यामा पक्षी बताती रहती है। व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए, इरादाएं नेक होनी चाहिए और अपना नियत सही होनी चाहिए। नाम बताइए, नाम अपना बताइए, निकलवाइए। ये मेरा नाम राम जी है। राम जी के नाम से श्यामा पक्षी जरा विचार कर बताइए कि इनके राशि कैसे चल रहा है और राशि पे क्या प्रभाव है, जरा सोच समझ कर पत्र निकालना श्यामा पक्षी। देखिए कौन सा कार्ड है। जय हो माई शारदा। श्यामा, कहीं गलत पत्र तो नहीं विचार कर दिए हैं? हो सकता है गलती इंसान से भी हो जाती है, भूल गई हो तो। यही है, धन्यवाद। जय माई शारदा। ये देखिए माता जी की कृपा, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। यहाँ माता जी की कृपा जिसकी होती है वही होता है। जिसका भी हर व्यक्ति ने, पक्षी हो चाहे मनुष्य हो चाहे जो भी हो, कर भला तो हो भला। अगर आपने भलाई की है जिंदगी में तो आपका भी भला होगा। किसी का अगर अहित किया है तो अहित होगा। ये पक्षी भी कहते हैं, इंसान भी, रामायण वेद कुरान सभी कहते हैं। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म होगा। देखते रहिए समाचारों के साथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राम जी के सरवानी। आज श्यामा पक्षी के पास आए और श्यामा पक्षी का विचार लगभग सही रहता। अपने कर्मों के आधार पर ही लोगों को कर्म भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य अपने आप अच्छा बनता है।